हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल ओनली टेक्सा पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो Y20Z के अंदर प्ले स्टोर आईडी कैसे बनाएं। जब भी आप कोई एक नया डिवाइस खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको अपनी प्ले स्टोर आईडी बोल सकते हैं, इसे मेल आईडी बोल सकते हैं या जीमेल आईडी भी बोल सकते हैं। जब आप एक नया डिवाइस खरीदते हैं तो आपको उसके अंदर अपनी मेल आईडी लॉगिन करना बहुत ज़रूरी रहता है, तभी आप अपने फ़ोन को यूज कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे काम होते हैं जो बिना मेल आईडी आप नहीं कर सकते, जिसे आप एक गूगल अकाउंट भी बोल सकते हैं या जीमेल अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर एक जीमेल अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए गाइस वीडियो में बहुत सिंपल स्टेप रहने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी प्ले स्टोर आईडी या गूगल अकाउंट जो भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। और गाइस वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको अगर ये वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो यहाँ से आपको अपने फ़ोन के अंदर अगर मेल आईडी बनानी है तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर की आईडी से ही बना सकती हैं, या आप अपने सेटिंग में जाके गूगल अकाउंट से ही बना सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्ले स्टोर की आईडी कैसे बनाएं। सिंपली हम अपने प्ले स्टोर पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप प्ले स्टोर पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ से आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ से हम इसे करेंगे साइन इन। तो सिंपली हम उस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा चेकिंग होगी इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये नेट स्लो है हमारे यहाँ कुछ, अगर आपके यहाँ फास्ट हो तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ से हमें एक नई बनानी है, क्योंकि हमने फ़ोन भी नहीं न्यू खरीदा है, तो इसलिए आपको एक नया अकाउंट बनाना है। तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट अकाउंट, इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से फॉर माई सेल्फ इस पर क्लिक कर लेंगे हम। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने जिस नाम से अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं वो नाम डाल दें। मैं अपना एक नाम डाल देता हूँ जिस नाम से मुझे बनाना है। अगर आप जिस कोई और नाम से बनाना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, मैं जिस नाम से बना रहा हूँ वो डाल देता हूँ। मैंने डाल दिया है टेक हिंदी, इसे यहाँ से हम कर देंगे नेक्स्ट। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जैसे ही नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है। यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दें जो भी आपकी हो, यहाँ से मैं अपनी डाल देता हूँ, डेट डाल देते हैं हम। और यहाँ से आप अपनी ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं जिस ईयर में आपका जन्म हुआ हो, यहाँ से इसे सेलेक्ट कर दें। और यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर दें, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ मेल, और इसे यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप अपनी जिस नाम से यूज करना चाहते हैं अपने मेल अकाउंट वो यहाँ पे आप डाल दें। अगर उस नाम से आपका अवेलेबल होगा तो हमें मिल जाएगा, अगर उस नाम से अवेलेबल नहीं है तो हमें नहीं मिलेगा। तो मैं अपना डाल देता हूँ, जो हमने पहले ही नाम रखा था उसी नाम से डालेंगे हम अपनी टैग। हाँ, अपने डालेंगे टैग हिंदी, और इसमें आप कोई बीच में एक नंबर डाल सकते हैं अपने जो भी डालना हो। मैं यहाँ से नंबर दे देता हूँ और इसे यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट। इसे जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो अगर इस नाम से अवेलेबल होगा तो हमें मिल जाएगा, अगर इस नाम से अवेलेबल नहीं होगा तो हमें नहीं मिलेगा, कोई दूसरी मिलेगी, हमें वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसे हम कर देते हैं नेक्स्ट। तो जैसे ही आप इसे नेक्स्ट कर देते हैं, हमारे इस नाम से किसी ने नहीं बनाई तो हमारे ये अवेलेबल हो गया और ये हमें मिल गया। तो यहाँ से आपको अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है, लेकिन पासवर्ड आपको ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें आपका एक लेटर भी हो, एक नंबर भी हो, एक सिंबल भी अंक होना चाहिए, तीनों में से एक एक अंक होना चाहिए और कम से कम 8 अंकों का पासवर्ड होना चाहिए। और पासवर्ड आप ऐसा रखें जो आपको याद रहना चाहिए, अगर आप याद नहीं रख सकते तो आप कम से कम उसे लिख के रख लें, आपको ये इन फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो समझ लेना आप अपना फ़ोन भूल गए, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो अपना फ़ोन भूल गए समझ लेना, इसलिए आप अपने पासवर्ड को लिख के रखें। मैं अपना डाल देता हूँ, यहाँ से मैं अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर दिया और इस यहाँ से हम इसे करेंगे कंफर्म। और यहाँ से इसे कर देंगे नेक्स्ट। तो जैसे आप इसे नेक्स्ट करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है।
यहाँ सबसे ऊपर के लिए स्वाइप करेंगे, यहाँ से ऐसे कर देंगे यस आई एम इन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जो मेल आईडी है आपकी वो यहाँ देखने में मिल जाती है। इस पर की हो जाती है टैग हिंदी 2684@gmail.com, ऐसे यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ से इसे नेक्स्ट कर देंगे और ऊपर के लिए स्वाइप करेंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है आई एग्री, इस पर क्लिक करेंगे आप। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके फ़ोन के अंदर आपका मेल आईडी लॉगिन हो चुकी है, जिसे आप मेल आईडी बोल सकते हैं या गूगल अकाउंट भी बोल सकती हैं या जीमेल अकाउंट भी आप बोल सकती हैं। फाइनली आपके फ़ोन के अंदर एगन हो चुकी है। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्सेप्ट करने के लिए, इस पर आप एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट करेंगे आपके फ़ोन के अंदर आपका प्ले स्टोर ओपन हो जाता है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये नेट की कमी है हमारे यहाँ, इसे नेक्स्ट न्यू कर दें। जैसे आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर हमारा प्ले स्टोर ओपन हो गया। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर की आईडी बना सकते हैं या आप इसे गूगल अकाउंट भी बोल सकते हैं, जो भी आपको क्रिएट करना हो इस प्रकार से कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।